नमस्कार, मैं स्वाति, आप सभी का स्वागत है जागरूक दिल्ली में। आज हमारे साथ टिमारपुर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता और विधायक मौजूद हैं, पंकज पुष्कर जी। आइए उनसे जानते हैं क्रिएटिव अड्डा के बारे में कि क्या उनकी सोच है और क्या उन्होंने बदलाव महसूस किए इसके दौरान। नमस्कार पंकज जी। क्रिएटिविटी अड्डा दरअसल उस यकीन को अमल में लाने का काम कर रहा है, जो यकीन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे के अंदर सैकड़ों हुनर छुपे हुए हैं। असल में हर बच्चा अपने अंदर एक अल्लाह का नूर, एक ईश्वर का अंश उसके अंदर है। ज़रूरत उसको पहचानने और उसको जाहिर करने की है। काम हमारे स्कूलों को भी यही करना होता है, लेकिन स्कूल एक सिलेबस का दबाव, इम्तहान का दबाव, ज़्यादा नंबर लेने की दौड़, इसमें वो असल चीज़ भूल जाते हैं, जो कि अपनी अंदर छुपी हुई खुशहाली को पहचानना और अपने अंदर के हुनर को पहचानने का काम करना है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, बहुत अद्भुत काम शिक्षा में कर रही है। उन्हीं को और बिल्कुल एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम ये क्रिएटिविटी अड्डा कर रहा है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और किन किन स्कूलों में ये जो अड्डा है क्रिएटिविटी का, ये मौजूद है अभी इस दौरान में? हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 स्कूलों में इस साल में ये करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारे स्कूलों में क्रिएटिविटी अड्डा जैसी चीज़ खुले। सबसे पहले तो हमारे अभिभावक जागरूक हों, उनके अंदर एक चाहत पैदा हो। एक ज़रूरत ये है कि हमारे स्कूलों में इस काम के लिए अलग से 2-3 कमरे हो सकें। दूसरा, हमारे शिक्षक मित्रों के बीच, हमारे अध्यापकों के बीच, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनके बीच एक लगन का जरूरी है। तो हम काफ़ी प्रयास करके वहाँ एक माहौल बनाने का काम करते हैं। अभी हम हमारे पास का एक सर्वोदय विद्यालय लांसा रोड है, वहाँ शुरुआत कर चुके हैं। सर्वोदय कन्या विद्यालय मलकागंज में, सर्वोदय कन्या विद्यालय नेहरू विहार में, वहाँ शुरुआत हो चुकी है। और एक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ढका में इसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है, और आगे आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ेंगे। पंकज जी, आपने क्या बदलाव आपने देखे हैं बच्चों के अंदर? जब आप दौरा करते हैं स्कूलों का, तो आप क्या बदलाव देखते हैं बच्चों के अंदर कि क्या उन्होंने, कितना सीखा है उन्होंने और कितने इच्छुक हैं वो सीखने के? बदलाव तो इतना है कि उसको शब्दों में बता लेना मुश्किल है। एक बच्चा जो कि मुरझाया रहता था, उदास रहता था, उसकी जगह आप हंसते, खेलते, खिलखिलाते, नाचते, झूमते हुए बच्चों को देखते हैं। जब बच्चे नाचने और झूमने लगते हैं तो वो हर काम बेहतर करने लगते हैं। वो एनर्जी जो कि नेगेटिव कामों में जा रही थी, वो पॉजिटिव चीज़ों में जाने लगती है। हमारे सामने तो शिक्षा को लेकर एक वो उद्देश्य है जो कि जिसका रास्ता टैगोर ने दिखाया, गिजुभाई बते का, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया, कि हर बच्चे के अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानो, बाहर निकालो। तो वो काम हो पा रहा है। और जब बच्चा अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानता है तो वो पढ़ने में भी बहुत बेहतरीन करता है, लिखना भी बेहतर सीख जाता है, अपनी बातों को कहने लगता है, अपने जीवन में खुद जिम्मेदार बनने लगता है, अपनी लाइफ च्वाइसेज जो है वो खुद पहचानने लगता है, अपने रोज़गार खुद चुनने लगता है। आप यकीन मानेंगे कि 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे 200 लोगों की किचन खुद संभाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्लो फूड एकेडमी है, उसकी किचन में एक बड़ी विजय दीदी हुआ करती थी, वो अपने पारिवारिक कारणों से चली गई हैं। वो पूरी स्लो फूड एकेडमी अब बच्चे खुद चला रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं। नए नए व्यंजन बनाना, नई नई तरीके सीखना, हेल्दी फूड के बारे में सीखना, बनाना, औरों को सिखाना, कभी कभी बाहर जाके औरों को खिलाना। इसी रूम में बच्चे फिल्म बनाना शुरू कर दिया, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी सीख रहे हैं, वीडियोग्राफी सीख रहे हैं। तो इन सारी अद्भुत संभावनाओं को जब बच्चे करते हैं, तो केवल हिंदी लिखना सीखना, केवल अंग्रेजी में 50% नंबर लाना नहीं, एक बहुत ही आत्मनिर्भर मनुष्य बनना बच्चे ये करके दिखा रहे हैं। दो चीज़ें इसमें कहनी ज़रूरी है कि ये केवल स्कूलों के अंदर थोड़ी सी सुधार लाने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने पूरे समाज को अपने हाथों से बेहतर बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ये सोच आई कि हर आम आदमी राजनीति को बदल सकता है।
उसी तरह की ये सोच शिक्षा में है कि हर आम बच्चा, झुग्गी से आया हुआ बच्चा, किसी छोटी से कॉलोनी से आया बच्चा, किसी बहुत छोटे से कटरे में आया हुआ बच्चा, वो अपनी ज़िंदगी और समाज और शिक्षा इन सबको बदल सकता है। इस विश्वास को हर किसी के अंदर पहुँचाने की ज़रूरत है। ये काम क्रिएटिविटी अड्डा कर रहा है, आपकी मदद से और जगह पहुँचेगा तो यकीनन ये सपना पूरा होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पंकज जी। हमारे साथ मेधा जी जुड़ी हैं जो प्रोफेसर हैं, आइए उनसे जानते हैं इस क्रिएटिविटी अड्डा के बारे में और कितना बदलाव उन्होंने देखा है और वो बच्चों में क्या चेंजेस देख रही हैं इस बारे में, आइए उनसे जानते हैं। स्कूल जो है मुखर्जी नगर स्कूल, जब से क्रिएटिविटी अड्डा खुला है तो जो बच्चों की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही थी वो अब क्रिएटिव चीज़ों में चैनलाइज होने लगी है, तो पूरे स्कूल का ऑरा ही चेंज हो गया है। और जिस कम्युनिटी से सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं उनमें पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं होता है या फिर इतना आकर्षण नहीं होता है कि वो मतलब उनके विकास में स्कूल के साथ भागीदार हो के कुछ कर सके, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं। लेकिन क्रिएटिविटी अड्डा ने क्या किया है, उनको जोड़ने का काम किया है। अभी आपने बाहर देखा होगा मतलब अभिभावक में न केवल पिता मतलब पुरुष अभिभावक बल्कि महिला अभिभावक भी छोटे छोटे बच्चों को लेके भी, गोद के बच्चों को भी लेके आई हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो सपना है ना, जो वो अपने बचपन में पूरा नहीं कर पाई, वो अपने यहाँ बच्चों को पूरा करते हुए देखती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक माँ के रूप में, एक महिला के रूप में जो है ना, उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। वो भी दो कदम थिरक ले रही हैं, वो भी गुनगुना ले रही हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में उसका स्पेस नहीं है उनके लिए। तो ये केवल मतलब उन बच्चों की कहानी नहीं है, उनके उन बच्चों के सपने, हुनर, प्रतिभा को एक मतलब मकाम मिलने की बात नहीं है, स्पेस मिलने की बात नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरे परिवार में रूपांतरण की एक गुंजाइश यहाँ पे मुझे दिखती है। तो मेधा जी, आपको कितना प्राउड फील होता है जब आप किसी बच्चे के पेरेंट्स से मिलती हैं, जब आपको बताते हैं वो कि आज हमारे बच्चे ने ये सीख कर आया है और वो पेरेंट्स को भी सिखा रहा है साथ में अपने घर जाकर, तो इस बात पर कितना प्राउड फील करती हैं आप आज के डेट में? मुझे बहुत गर्व तो क्या कहे, लेकिन हाँ मैं कृतज्ञ होती हूँ। गर्व करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं बहुत आभारी होती हूँ कि इस दुनिया को सुंदर बनाने की इस मुहिम में जो लोग भी शामिल हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनके लिए एक आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव मन में आता है। और यहाँ का मतलब मैं देखती हूँ कि राजनीतिक परिवेश भी बिल्कुल अलग है। ये क्रिएटिविटी अड्डा शिक्षांतर मनीष जैन और पंकज पुष्कर जी के प्रयास से चल रहा है यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ, ये भी अभी अभी एक माँ ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा आप कौन हो, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप SMC मेंबर हो? मैंने कहा नहीं। फिर आप यहाँ कैसे हो? मैंने कहा कि मैं पंकज जी की पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन पंकज जी? मतलब एक जो नई किस्म की राजनीति है जिसमें अहम, प्रचार, मैं, उसको छोड़ के बस फूलों को खिलते हुए देखना, बिल्कुल उनकी तरह ही हो जाना, क्योंकि मैं और तुम का जो भेद है यहाँ ख़त्म हो रहा है, वो आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे होंगे कि कौन, बस सब संगीतमय हो जा रहे हैं, सब नृत्यमय हो जा रहे हैं। और जिस दिन ये एक छोटा सा स्पेस ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे मोहल्ला, स्कूल, सब धीरे धीरे अगर ऐसा होते चले जाए, तो मैं अपने बच्चों को अक्सर पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि हमें मतलब जैसे आज का मैं जिक्र करूँ तो मैं भूषण की एक कविता पढ़ा रही थी जिसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन था। मैंने कहा कि हम सबको ये कविता इस स्वप्न के साथ, इस कल्पना के साथ पढ़नी चाहिए कि एक दिन विश्व में कोई सेना नहीं होगी, केवल प्यार की सेना होगी। तो ये सब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो वो सुदूर का स्वप्न है शायद वो अब धीरे धीरे साकार होने की दिशा में है। धन्यवाद मेधा जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी आपने राय दी है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मेधा जी। मिल बात।
हम जानते हैं बच्चों के माँ बाप से कि वो कितने खुश हैं इस नई सोच के साथ, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आपका नाम? नैना। नैना जी, आपका बेटा स्कूल में पढ़ता है, बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है? जी। अभी कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? तीनों पढ़ते हैं। तीनों बच्चे पढ़ते हैं आपके, तो आप केटी अड्डे के बारे में कुछ जानती हैं? जी, बस यही जानती, बच्चे कुछ बन जाए यहीं पर ही जी, कुछ पढ़े लिख के अच्छे कुछ कामयाबी पालें जी। तो आज आपको कितना मज़ा आया इस प्रोग्राम में? आप जब ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा जी। तो बच्चे को सीख रहे हैं इस केटी अड्डा के थ्रू, और घर में क्या परिवर्तन महसूस कर रही हैं बच्चों में? बस जो सीख रहा है नहीं मालूम होगा बच्चों को। नहीं, मतलब कि क्या परिवर्तन आप देख रही हैं? जैसे बच्चा आपको जो स्कूल में सीख कर आता है, वो घर में भी आपको सिखाते होंगे, आपको बताते होंगे, आपको क्या नया सीखा उन्होंने स्कूल के अंदर? जी, बताते हैं, ये बोलते हैं कि आज हमने ये किया स्कूल में, आज अकेडमी अड्डा में ऐसे ही करा था, हमने वैसे करा था, जो जो ये यहाँ करके जाते हैं वही बोलते हैं। अच्छा मोहम्मद साकिद, आपने क्या क्या चीज़ें आपने सीखी अभी तक इस क्रिएटिव अड्डा के अंदर? मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और मैं सारे अब मिस करता हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें कुछ फेवरेट स्पोर्ट या म्यूज़िक में कुछ फेवरेट है, कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है इसके अंदर? मुझे कुकिंग। कुकिंग में क्या बनाना सीखा आपने? मैंने हर तरह की रेसिपी, मैंने ज़्यादा साउथ इंडियन बनाना सीखा है। अच्छा, तो क्या फेवरेट है आपका डिश में? मुझे वो वड़ा पाव और डोसा। अच्छा, तो घर में मम्मी को बना के खिलाया कभी आपने वड़ा पाव डोसा? हाँ, मम्मी जब संडे को होता है टाइम तो मैं मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी बोलते हैं अभी मत बनाओ, अगले संडे को बनाना। अच्छा, तो मम्मी बहुत खुश होगी आपके इस काम से कि आप कुकिंग सीख ली आपने। हाँ, थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम बख्शी है जी। पूनम जी, आपका बच्चे स्कूल में पढ़ता है? जी, 9th क्लास में पढ़ता है जी। तो इस केटी अड्डा के थ्रू आप क्या बदलाव देख रही हैं बच्चे के अंदर? मेरे बच्चे में एक तो बोलने की भी थोड़ा वो हो गया, बहुत ज़्यादा सुधार आ गया, बैठने उठने की, कहाँ जाना है कहाँ आना है, और प्लस उसके अंदर एक किस तरह से इसके अंदर एक उमंग जगी है कि मुझे कुछ करना है और अपना ही कुछ करना है। जैसे बहुत से बच्चे टीवी देखते रहते हैं, मेरा बच्चा भी एक टाइम ऐसा था कि टीवी ही देखता रहता, स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद टीवी ही देखता रहता था। मैं कहती थी बच्चा ये कर लो, लेकिन नहीं करता था, बस वो बैठा रहता था। अब वो जैसे स्कूल से आता है, बैग रखता है और सीधा क्रेडिट अड्डे चले जाता है, आता है, होमवर्क करता है, पेरेंट्स की बहुत अच्छी इज्जत करता है, तो हम बहुत खुश हैं इससे। मतलब क्या बिल्कुल ही परेशान नहीं अपने बच्चे से, बहुत संतुष्ट हैं बाप? हाँ जी, बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। क्रिएटिविटी अड्डा के को फाउंडर और जो डायरेक्टर हैं आशीष, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्रिएटिविटी अड्डा का जो कंसेप्ट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव उन्होंने महसूस किया है बच्चों के अंदर, और इस क्रिएटिविटी अड्डा को वो कहां तक फैलाने की सोच रहे हैं। आइए जानते हैं आशीष जी से। आशीष जी, बताइए हमें कुछ क्रिएटिविटी अड्डा के बारे में। सो क्रिएटिविटी अड्डा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे के पास ये आज़ादी हो कि उसको क्या सीखना है, क्या करना है, क्यों सीखना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम चीज़ें बच्चों के लिए बना देते हैं कि बच्चे आपको ये करना है, आपको ये सीखना है, कभी हम बच्चे से ये नहीं पूछते कि उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या चाह है। तो क्रिएटिविटी अड्डा के अंदर हम चाह रहे हैं कि बच्चा अपने आप को पहचाने कि उसका पैशन क्या है, उसको क्या करना है। और क्या है कि हमारे समाज में देखा जाए, स्कूल में देखा जाए, आस पड़ोस में देखा जाए, तो बच्चों के पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को पहचान पाए कि वो वास्तविक में क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। तो क्या होता है कि जब उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं आता है। तो क्रिएटिविटी अड्डा के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि बच्चा अपने पैशन को एक जल्दी से पहचान पाए और उसी पैशन को लेकर के ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा हो पाए और उससे समाज के को भी बेहतर दिशा में ले जा सके और अपने परिवार के लिए भी वो बेहतर कर पाए। तो बच्चों से कुछ फीस वगैरह भी आप लेते हैं या फिर मुफ्त में आप बच्चों को सिखा रहे हैं क्रिएटिविटी अड्डा के अंदर? सो क्रिएटिविटी अड्डा में हम बच्चों से कुछ भी फीस नहीं लेते हैं, ये हम